दिस इज फीएट 124 स्पाइडर जो कि इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट कार्स ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ दो मौजूद हैं और इस गाड़ी की कंडीशन देख के आप बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी को भी टक्कर देती है। इट इज़ इन एन इमैक्युलेट कंडीशन और इसकी जो रेस्टोरेशन हुई है वो इट इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, इसके क्रोम के अंदर देर इज नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच। सो कूडोज टू द वन हु हैज रिस्टोर्ड दिस कार। इस गाड़ी की स्पेशल बात ये है कि इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कार। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको बटन्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी और इसकी एक प्रॉपर वुड फिनिश में इसका स्टेयरिंग व्हील है। इट इज़ अ 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील जो कि एक आम जो आजकल गाड़ियाँ आती हैं उससे बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर बैठते ही आप एक इंस्टेंट कनेक्शन और इंस्टेंट नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं कि यार दिस इज़ आई एम इन अ डिफरेंट टाइम स्पेस ऑल टुगेदर। दिस इज़ ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड ड्राइव और जिनको प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए थोड़ा सा इशू ये है कि आपको राइट हैंड से गियर चेंज करना पड़ता है। अगर आप इसकी हैंड ब्रेक देखें तो बहुत ही एक बेसिक और एक मैं इसको कहूँगा एंटीक और बड़ी एक रिच फील देती है। यहाँ पे आप 3 नॉब्स देख सकते हैं, वो एक इसको ऑन ऑफ करने की है, एक नॉब से आप इसका थर्मोस्टेट कंट्रोल करते हैं। इसमें बाय द वे एयर कंडीशनर नहीं है, इसमें सिर्फ हीटिंग आती है। और एक से इसका आप ब्लोअर कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे इसके आप वेंट्स देख सकते हैं कि 2 बेसिक वेंट्स हैं। फ्रंट पे यू आर गेटिंग हैजेट और फास्टनर सीट बेल्ट का साइन भी यहाँ पे है। उस टाइम पे भी द सेफ्टी फीचर्स इन द कार वर वेरी गुड और इसके अंदर बैठते ही आपको जो सीट की कम्फर्ट है वो आपको नई गाड़ियों में बहुत पैडिंग आती है, सारा कुछ आता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको जो मैं इस वक्त गाड़ी से कनेक्शन फील कर रहा हूँ दैट इज़ inexplainable और ये सिर्फ आप गाड़ी में बैठ के ही बता सकते हैं कि आपको इस गाड़ी के साथ किस तरह का कनेक्शन फील होता है। लेट्स स्टार्ट इट अप, आप लोगों को मैं इस गाड़ी की साउंड सुनाना चाहता हूँ। दिस इज़ अ वेरी लाउड कार और ये गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो आपके इर्द गिर्द जितने घर हैं सबको पता चलेगा कि उस घर में गाड़ी स्टार्ट हुई है। बट द साउंड इज वेरी रॉ और लेट्स सी इट फ्रॉम द बैक। और बाय द वे इसके जो एंटीनाज हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होते थे, दे वर मैनुअल। सो आपको मैनुअली इसको निकाल के, इफ यू वांटेड टू लिसन टू द रेडियो तो आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है और अगर आप इसको पीछे से देखें दिस कार हैज़ अ वेरी डिफरेंट बैक क्योंकि इसका जो रेयर बम्पर है दैट इज डिवाइडेड फ्रॉम इन बिटवीन। और इस गाड़ी की एक स्पेशल बात ये है कि दिस वॉज डिज़ाइन बाई पिनिनफेरिना जो कि फरारी डिज़ाइन करते थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साइड्स पे पिनिनफेरिना लिखा भी हुआ है।